जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश आते ही शिवपुरी यातायात पुलिस सतर्क हो गई। बिना हेलमेट बाइक सवारों में हड़कंप मच गया। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव मैदान में आए और माधव चौक पर बिना हेलमेट वाले और 3 सवारी बैठकर वाहन चालकों को पकड़कर चालानी कार्यवाही की। वहीं शासकीय कर्मचारियों के भी बिना हेलमेट के चालान काटे गए। बोले, बिना हेलमेट के आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाते नहीं देखेंगे, तब तक हमारी यह कार्यवाही चालू रहेगी। कुछ बाइक सवार युवकों के पास से पैसे न होने के कारण उन्हें समझाइश देकर छोड़ा। बोले, कल से हेलमेट लगाकर ही दो पहिया वाहन चलाए। यदि अब आप बिना हेलमेट के मिले तो छोड़ा नहीं जाएगा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आपके द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की क्या कार्रवाई? आज जो चालानी कार्रवाई की जा रही है, इसमें मुख्यतः हेलमेट और 3 सवारी। जब से ये आज से जो हमारा अभियान इसी पे आधारित है कि जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं, 3 सवारी चल रहे हैं, जी एक्सीडेंटों को रोकने के लिए आज ये अभियान के तौर पर ले रहे हैं। इसमें माननीय हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश भी हैं, हमारे पुलिस मुख्यालय के आदेश अभी तक सर कितने चालान हुए हैं, इसमें बिना हेलमेट और 3 सवारी। इसमें सभी शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी, पेट्रोल पंपों को भी ये निर्देश है कि वो बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं देंगे। तो आज से हम उनसे भी शाम से पालन करवाएंगे। बैनर लगा अभी तक कितने टोटल चालान हो? अभी तक लगभग 30-35 चालान अभी किए एक घंटे में। वो ये निरंतर जारी रहेंगे और हेलमेट का लगाने का हमारा उद्देश्य है कि सब लोग हेलमेट लगाएं और एक्सीडेंटों को कम से कम किया जाए। एक आपके द्वारा मैसेज हो गया सर, मैं सभी से अपने शिवपुरी शहरवासियों से आग्रह करूंगा, जितने भी टू व्हीलर पर चलते हैं, हमारे भाई लोग, बहन लोग, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हेलमेट लगाएं और अपनी जिंदगी बचाएं। एक्चुअली क्या है कि देखने में आया, जब भी एक्सीडेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंजरी हेड में आने के कारण मौत होती है। मैं यही चाहूँगा सभी लोग हेलमेट लगाएं और पुलिस प्रशासन का साथ दें। सर, में भी सीट बेल्ट नहीं लगाया जाता, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? सीट बेल्ट के खिलाफ हम हाईवे पर चालानी कार्रवाई करते हैं और निरंतर ये चालानी कार्रवाई रहती है। ओवर स्पीडिंग की कार्रवाई हम करते हैं और सीट बेल्ट पेट्रोल देता है अभी आदेश निकला कलेक्टर साहब के द्वारा। तो जो मोटरसाइकिल वाले खड़े उनके खिलाफ जो एमबीएस में कार्रवाई करेंगे और जो आदेशों का पालन नहीं करता उसमें पेट्रोल का टैक्स जो लिफ्ट किया जाएगा नहीं, कैमरे लगे, पुलिस रहती है और आप लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से सूचना मिलेगी, वीडियो मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।